हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर इन कॉस्टिंग तो आज ने आ गया है उससे पहले आई होप्स कि यू हैव वॉच्ड ऑल द लेक्चर्स बिफोर दिस यू ऑल हैव डन योअर होमवर्क दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आप लोग मेरे साथ जितना भी करो इन एंड यू विल हैव टू गिव द एग्जाम सो एंश्योर कि आप लोग को इनफ प्रैक्टिस हो ओके सो लेट्स स्टार्ट इससे पहले हम लोग कॉस्टिंग के अंदर अभी कॉस्ट शीट के अंदर काफी कुछ कर चुके हैं uh, हमेशा की तरह एक रिकैप देने का ट्राई करूं तो कॉस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स टाइप्स ऑफ कॉस्ट कॉस्ट शीट उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट्स का एक्सप्लेनेशन उसके बाद सम स्टार्ट किया सम्स के अंदर फर्स्ट दो या तीन सम सिंपल क्वेश्चन से ऑन जस्ट द मेकिंग ऑफ द कॉस्ट शीट फिर उसके बाद हम लोगों ने एस्टिमेटेड कॉस्टशीट वगैरह वो करना स्टार्ट किया फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग का किया फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया अबाउट यूनिट कॉस्ट शीट ओके मतलब कॉस्ट शीट फॉर वन यूनिट ऑफ योर प्रोडक्ट ठीक है तो आज के क्वेश्चन के अंदर नया क्या है उससे पहले इन केस यू डू नॉट हैव द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर ओके प्लीज द नोट्स डू कम ऑन द टेलीग्राम चैनल दैट यू ऑल हैव बिलो दिस वीडियो ओके तो अगर आपके पास नोट्स वो नहीं है तो इन लेक्चर्स के जो नोट्स होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं टेलीग्राम के दो आईडी मैंने नीचे uh, रखे हुए इन द वीडियो वन ऑफ देम इज फॉर आस्किंग द डाउट्स एंड अदर ऑफ दैम इज आर चैनल फॉर अपडेट्स ओके तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन से तो आज के सेशन के ना ऐसा बसें क्या है नया है कि हम लोग एक ही क्वेश्चन आज तीन बार सॉल्व करेंगे सर प्रैक्टिस के लिए नहीं तीनों क्वेश्चन के अंदर एक एक वर्ड हम लोग बदल देंगे एंड एक नया क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा आई सी ए को ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं इन फैक्ट एट वन मोमेंट ऑफ टाइम हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन तो फाइनल सीए के अंदर भी पूछ के तो रखे हुए हैं ओके okay, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं तीन मैं कर रहा हूं उन तीन के अंदर से दो क्वेश्चंस का सिमिलर क्वेश्चंस तो होमवर्क के अंदर आ जाएगा तो हम लोग तीन क्वेश्चंस वो करने वाले हैं आज और आप लोगों को नेक्स्ट टू क्वेश्चंस करने फॉर होमवर्क विच आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग इन दिस लेक्चर ठीक है तो ये वाला लेक्चर अभी तब तक चलेगा जब तक ये तीन के तीन क्वेश्चन हमारे खत्म नहीं हो जाते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करें चलिए a factory can produce 60000 units per annum at its optimum capacity optimum matlab मतलब 100% hota hai un logon ne diya bhi hua hai future ke liye yaad rakh lena estimated cost of production is as follows direct material 3 per unit direct labor 2 per unit indirect factory expenses ek minute direct expenses मतलब direct expenses मतलब direct cost के अंदर DM आ जाता है DL आ जाता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड्स ओके तो ये तीनों के तीनों के आपके ओवरहेड्स हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं ठीक है यहां पे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट तो नहीं है ना तो फिर ओवरहेड्स ही हो जाएंगे फिक्स्ड वन लाख फिफ्टी थाउजेंड वेरिएबल रुपीज फाइव पर यूनिट मैं ये क्वेश्चन जो है वन ऑफ द रीजन इस लाइन की वजह से कर रहा हूं तीन टाइप ऑफ खर्चे अपने लगने वाले फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल सेमी वेरिएबल देखो ये वाला खर्चा कैसे होता है फिफ्टी थाउजेंड पर एनम अप टू फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी ठीक है अगर आप पचास परसेंट तक काम करोगे तो पचास हजार रुपए का खर्चा ठीक है एक साल का पर एनम एंड एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड फॉर एवरी ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ ठीक है इन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ टेन थाउजेंड फॉर एवरी ट्वेंटी इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट दे रहा हूं बाद में आपको ये वाला लाइन कम से कम दस बार तो पढ़ना पड़ेगा ताकि आप लोग का आंसर आ जाए फैक्ट्री प्रोड्यूस ओनली अगेंस्ट ऑर्डर एंड नॉट फॉर इट्स ओन स्टॉक तो इस लाइन के अंदर इन लोगों ने लिख दिया कि भाई अपना स्टॉक जो है नहीं होने वाला है प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज एज इंडिकेटेड बिलो एंड अ मैनेजमेंट डिजायर्स टू इंश्योर अ प्रॉफिट ऑफ वन लाख रुपीज फॉर द ईयर तो कंपनी को जो प्रॉफिट चाहिए हम लोगों से कितने रुपीज का चाहिए वन लाख रुपीज ठीक है जो कंपनी को प्रॉफिट चाहिए इस साल वो एक लाख रुपए का है ठीक है फर्स्ट मंथ्स ऑफ द कैपेसिटी रिमेनिंग नाइन मंथ्स एटी परसेंट ऑफ द कैपेसिटी ठीक है तो फर्स्ट थ्री मंथ्स कंपनी किस लेवल के ऊपर काम करेगा फिफ्टी परसेंट रिमेनिंग नाइन मंथ्स जो है एट्टी परसेंट के ऊपर काम करेगा ठीक है रिक्वायर्ड वर्कआउट द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड आपको क्या करना है वर्कआउट सेलिंग प्राइस तो आप लोगों को बेटा क्या चाहिए सेलिंग प्राइस चाहिए आप लोगों को क्या चाहिए सेलिंग प्राइस चाहिए एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड ठीक है तो स्टार्ट कर लेते हैं अच्छा वैसे आपके मॉड्यूल के अंदर इज अ चैप्टर कॉल्ड इज यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग ये वाला क्वेश्चंस जो है जो ऐसे क्वेश्चंस है जो हम लोग तीन करने वाले हैं या इसी ने वहां पे डाल के रखे हुए हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं देखो मेरा दिमाग ऐसे चलता है सामने अपने को बोला है सेलिंग प्राइस मैं ना हमेशा आई एम बेंट अपॉन वन थिंग रिक्वायर्ड पार्ट को आंसर करोगे तो मार्क्स मिल जाते हैं वरना लटकते रहो ठीक है तो आप लोगों को यहां पर बेसिकली रिक्वायर्ड पार्ट ही आंसर करने का रिक्वायर्ड पार्ट के ना क्या लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस निकालो सर सेलिंग प्राइस देखो अपने को कॉस्ट तो दिया हुआ है इनफैक्ट गिनो की कितनी कॉस्ट दी हुई है पांच डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल पांच खर्चे वो दिए हुए हैं ठीक है पांच खर्चे ऐड कर लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा टोटल कॉस्ट प्रॉफिट आपके पास है वन लाख रुपीज अपने को सेल्स मिल जाएगा सेल्स का पर यूनिट फिगर इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस ना यार तो वही वाला काम करेंगे और क्या ठीक है तो ये चीज आप लोग कौशिट भी टाइटल दे सकते हो बट आई ऑलवेज थिंक जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बोला हेडिंग ऑफ द स्टेटमेंट में

ऑफ ऐसा शॉर्टकट मत लिखना जैसे मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस ठीक है अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हैज टू बी इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड क्योंकि सामने लिखा हुआ था कि कंपनी ओनली प्रोड्यूस अगेंस्ट ऑर्डर ऐसा लिखा हुआ था ठीक है डैश यूनिट्स अभी अपने को नहीं मालूम ठीक है एक टोटल बना लेंगे और एक पर यूनिट बना लेंगे ठीक है लाइन एक मिनट के बाद बनाओ सुनो डायरेक्टली पहले वो लिखना स्टार्ट कर दो क्योंकि सम एज सच बहुत छोटा है एक अपने को डायरेक्ट मटीरियल चाहिए एक अपने को डायरेक्ट लेबर चाहिए एक अपने को सॉरी 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 ये वाला चीज नहीं दिखना दिस विल बी गिविंग यू प्राइम कॉस्ट उसके बाद एड फैक्ट्री ओवर फैक्ट्री ओवरहेड्स के ना मैं ऑर्डर में जाता हूं पहले फिक्स दिया हुआ था फिर उसके बाद वेरिएबल दिया हुआ था फिर उसके बाद सेमी वेरिएबल दिया हुआ था फिर उसके बाद सेमी वेरिएबल दिया हुआ था ठीक है एक बार ये आ जाएगा इसका टोटल कर लेंगे उसको सिंपली टोटल कॉस्ट ही बोल देता हूं ठीक है और कुछ यहां पे कॉस्ट वगैरह वैसे भी नहीं है उसके बाद एड प्रॉफिट और उसके बाद इधर क्या आ जाएगा सेल्स अभी चाहो तो लाइंस कंप्लीट कर लो छोटा सा सम होता है तो ऐसा कर सकते हो देखो अभी सबसे पहले अपने को क्वांटिटी प्रोड्यूस या सो चाहिए तो लिखिए इधर वर्किंग नोट वन लिखिए क्वांटिटी प्रोड्यूस स्लैश क्वांटिटी सोल्ड अभी सब लोग एक काम कर रहे हो ध्यान से सुनना जो तुम लोगों को काम करना है आ, जो तुम लोगों को काम करना है दर इज समथिंग लाइक दिस तुम लोग जो भी मैं अंडरलाइन रहने दे रहा हूं ठीक है बाकी सब कुछ मैं निकाल दूंगा जो भी मैं लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं अभी वो वाला लाइंस तुम लोग पढ़ना और कैल्सी उठाओ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड या सोल्ड निकालने का तुम लोग ट्राई मारो जो लाइंस अंडरलाइन है बस वही देखना बाकी अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ उतना ही डेटा पढ़ो और मेरे को आंसर निकाल के दो तुम्हारे पास एक मिनट है टाइम स्टार्ट करता हूं अभी मारो मारो डोंट गिव अप किसी का आंसर अगर सिक्सटी थाउजेंड से ज्यादा आया इज़ मैड क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी ही सिक्सटी थाउजेंड है बेटा चलो सुनो अभी स्टार्ट कर लेते हैं इसको निकाल देता हूं सुनो आ, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है फर्स्ट मंथ्स मंथ्स ऑफ ऑफ द द ईयर वी वी वर वर्किंग वर्किंग एट एट कैपेसिटी कैपेसिटी लास्ट कुछ ऐसा लिखा हुआ था तो मेरे को फर्स्ट थ्री मंथ्स का प्रोडक्शन अलग से निकालना पड़ेगा मेरे को लास्ट नाइन मंथ्स का प्रोडक्शन अलग से निकालना पड़ेगा फिर ऐड करेंगे ओके तो यहां पे लिखिएगा जरा प्लीज फर्स्ट थ्री मंथ्स उसके बाद लिखिएगा लास्ट नाइन मंथ्स अच्छा फर्स्ट थ्री मंथ्स फर्स्ट थ्री मंथ्स सुनो इन एनी केस हमारा जो कैपेसिटी है पूरे साल का कितने यूनिट्स का है सिक्सटी थाउजेंड ठीक है उससे ज्यादा तो पूरे साल के अंदर बना ही नहीं सकते फर्स्ट थ्री मंथ्स का बात करता हूं तो फर्स्ट थ्री मंथ्स के अंदर मैक्स टू मैक्स इतना ही बना सकते हो लास्ट नाइन मंथ्स के अंदर मैक्स टू मैक्स तो इतना ही बना सकते हो इससे ज्यादा तो बना नहीं सकते लेकिन इससे आंसर नहीं आएगा बेटा ये आंसर निकालेगा तो टोटल सिक्सटी थाउजेंड ही आ जाएगा ना यार ठीक है लेकिन फर्स्ट थ्री मंथ्स यू वर वर्किंग एट व्हाट लेवल फिफ्टी परसेंट लास्ट नाइन मंथ्स यू वर वर्किंग एट व्हाट पर्टिकुलर लेवल 80 परसेंट जिन लोगों का आंसर उन लोगों ने आ थ्री बाई ट नहीं किया बेटा, साल का है ना यार। बात है, तो सिक्सटी थाउजेंड इंटू थ्री बाय ट्वेल्व इंटू फिफ्टी परसेंट फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सेंड इंटू नाइन बाइ टी फाइव थाउजेंड इंटू एटी परसेंट थर्टी सिक्स थाउजेंड तो फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है चल ये हो गया तुम्हारा ये वाला चीज अभी आगे तो क्वेश्चि में आइए यहां पे लिखिए फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट ठीक अभी दिस सम, आफ्टर दिस नो, वेरी इजी एक्सेप्ट सेमी वेरिएबल ओवर जो अगेन मैं तुम लोग को टाइम दूंगा तब शायद थोड़ा सा मैं ज्यादा दूंगा ओके तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितने का है थ्री ठीक है डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितने का है टू ठीक है तो ये कर लिया ये कर लिया फिक्स्ड फैक्ट्री ओवर फिफ्टी थाउजेंड इनर कॉलम में वन लाख फिफ्टी थाउजेंड उसके बाद फाइव पर यूनिट एक मिनट पहले इतना कंप्लीट कर लें फिर आगे चले ओके फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू थ्री करेंगे फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड इंटू थ्री तो डायरेक्ट मटीरियल इस साल का वन लाख थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड का खर्चा होगा ठीक है फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड इंटू टू फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड इंटू टू तो ये आ जाएगा एटी सेवन थाउजेंड टोटल मार लेंगे दिस विल बी फाइव टू वन सेवन फाइव हंड्रेड ठीक है उसके बाद अपना कैल लीजिए फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड वेरिएबल एक्सपेंसिस बेटा कितना था फाइव पर यूनिट ठीक है जो वेरिएबल एक्सपेंसिस था वो फाइव पर यूनिट था ठीक है एक ये सब कुछ रबी कर देता हूँ एक बार तो फाइव पर यूनिट तो कैलसी लो फोटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू फाइव यह आ जाएगा टू वन सेवन फाइव ये ना इनर कॉलम में लिख रहा हूँ तो इसका पर यूनिट मैं अभी नहीं निकालूंगा ठीक है वो एंड के अंदर एक ही बार निकालेंगे ये आ गया ये आ गया ये थोड़ी देर में आ जाना चाहिए एक बार ये आ जाएगा ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगा देखो सामने अपने को प्रॉफिट देके रखा हुआ है Uh, अपने को इस साल प्रॉफिट कितने का चाहिए बेटा वन लाख अपना कैल लीजिए वन लाख डिवाइडेड बाई फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड या आ जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो ठीक है तो उसके बाद मेरे ख्याल से सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा ठीक है अभी ये सब चीज़ें करने के लिए तुम लोग को बस एक ही चीज़ करना है सर सेमी वेरिएबल का आंसर निकालना है ठीक है और एक छोटा सा चीज डिफरेंस बिटवीन अ गुड स्टूडेंट एंड अ बैड स्टूडेंट ऑनेस्टली इज नॉट इज नॉलेज इट इज ऑलवेज इज पेश अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ता है उसको आंसर स्ट्राइक हो जाता है बुरा स्टूडेंट क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ता है ही वेस्ट इस टाइम इन कीप ऑन थिंकिंग भाई आंसर कैसे आएगा बेटा आंसर तो क्वेश्चन के अंदर से ही आता है तो क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं वहीं से आंसर लेकर आएंगे ठीक है ये काम तुम्हारा है लेकिन एक बार मैं पढ़ देता हूँ सेमी वेरिएबल्स फिफ्टी थाउजेंड पर एनम, अप टू फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी ठीक है ये एक लाइन अगर आपको पचास परसेंट तक पूरे साल काम करना है पचास हजार रुपए का खर्चा करो एंड एक और खर्चा भी है एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड के आगे पर एनम नहीं है फॉर एवरी ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीज इन कपेसिटी और पार्ट दर ऑफ अभी चीज तुमको एक और बार पढ़ना है तुम लोग क्या करना यह वाला ढाई लाइन बराबर से पढ़ना और उसके बाद शायद ये वाला डेटा फिर से पढ़ना इस साल हम लोग कैसे कैसे काम करेंगे और उसके बाद आंसर निकालना मैं तुमको दो मिनट दे रहा हूं बस एक चीज बिफोर योर टू मिनट्स विल स्टार्ट इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेलिंग प्राइस चाहिए एट विच ईच यूनिट शुड बी सोल्ड यूजली सेलिंग प्राइस इज फिक्स बिफोर द ईयर स्टार्ट हम लोग गुड्स बेचने से पहले कस्टमर को प्राइस बताते हैं ना तो इस क्वेश्चन के अंदर शायद जो भी चीजें हैं ना वो एस्टिमेटेड ही है जो भी चीजें हैं वो एस्टिमेटेड ही है ये भी जो है ये एस्टिमेटेड है ये भी है जो एस्टिट क्योंकि हम लोग ये वाला सम क्यों सॉल्व कर रहे हैं ताकि अपने को सेलिंग प्राइस मिल जाए बेटा सेलिंग प्राइस तो अपने को प्रोडक्ट बेचने से पहले निकालना ही पड़ेगा ना तो यूजुअली कंपनीज क्या कर लेता है बिफोर द ईयर स्टार्ट्स ना वो लोग अपने कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं वो लोग अपना प्रॉफिट एस्टिमेट करते हैं और फिर एडअप करके सेल्स या सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं हम लोगों ने भी एग्जैक्टली exactly वही काम किया थ्रू कॉशी ठीक है अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं तुम लोग को यहां पे दो मिनट दे रहा हूं तुम लोग आंसर ट्राई मारो बस ये वाला ढाई लाइन और ये वाला दो लाइन बराबर से पढ़ो और मेरे को आंसर देने का ट्राई करो याद रखना इधर परानम है इधर परानम नहीं है और मैं अभी कुछ नहीं बोलता सॉरी स्टार्ट आंसर आ भी गया तो भी सोचते रहे ना इज एक्ट करेक्ट और नॉट दो मिनट स्पेंड करो जब दिए तुम लोगों को चलो अलार्म बज गया स्टार्ट कर लेते हैं देखो रुपीस फिफ्टी थाउजेंड पर एन एम टू फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी पहले मेरे को सब लोग जरा बोलना आर यू ऑपरेटिंग एट एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट फॉर द ईयर क्योंकि क्या लिखा हुआ है पचास हजार रुपया एक साल का पचास हजार रुपया एक साल का तो आर यू ऑपरेटिंग एटलीस्ट एट फिफ्टी परसेंट थ्रू आउट दर पचास परसेंट मैं ये वाला लाइन जो है वो फिर से वो रिपीट करता हूं शायद एक वर्ड बीच में गलत भी बोल दिया था क्या आप फिफ्टी परसेंट तक पूरे साल काम कर रहे हो यस पचास परसेंट तक तो काम कर ही रहा ना उसके ऊपर भी काम कर रहा हूं तो भी अलग बात है पचास परसेंट तक तो काम कर ही रहा हूं ओके okay, तो लिखो जरा प्लीज वर्किंग नोट टू सेमी

तो आपका पचास हजार रुपए का जो खर्चा है वो तो पक्का है उसके बाद तो पचास हजार रुपए फिक्स हो गया ठीक है उतना तो लगेगा ही लगेगा और उन लोगों ने क्या बोला है एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ टेन थाउजेंड फॉर एवरी ट्वेंटी फाइव परसेंट एवरी को डबल अंडरलाइन करना ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट डयर ऑफ उसका मतलब क्या है जब भी आपको अपना कैपेसिटी ट्वेंटी फाइव परसेंट या उसके कोई भी पार्ट से बढ़ाना है या आपको उसके कोई भी पार्ट से बढ़ाना है मतलब या 25 परसेंट बढ़ाओ या 20 परसेंट बढ़ाओ या 10 परसेंट बढ़ाओ या 8 परसेंट बढ़ाओ जो भी जब भी आपको अपना कैपेसिटी 25 परसेंट या उसकी कोई भी पार्ट से बढ़ाना है आपका एक्स्ट्रा खर्चा कितने रुपीज का होगा टेन थाउजेंड यहां पर ना टेन थाउजेंड पर एनम नहीं है यहां पे पर टेन थाउजेंड पर एनम था जब पर एनम होता है मतलब दैट खर्चा इज इंकर फॉर ट्वेल्व मंथ यहां पर टेन थाउजेंड नहीं है मतलब दिस इज फ्लैट टेन थाउजेंड बस दस हजार रुपए का अपना जो खर्चा है वो हो जाएगा ठीक है तो एक मिनट पहले मेरे को जरा बोलो क्या तुम लोग कभी भी फिफ्टी परसेंट के ऊपर गए गए ना सर हम लोग तो एट्टी परसेंट तक भी गए लेकिन आप फिफ्टी से एट्टी आप लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते क्यों डायरेक्टली नहीं जा सकते सामने लिखा है सम के ऊपर कुछ नहीं है सामने बोला है आप अपना जो कैपेसिटी है ना ट्वेंटी फाइव परसेंट से ही सकते हो तो हम लोग पहले फिफ्टी से किधर तक जाएगा सेवेंटी फाइव फिर उसके बाद हम लोग सेवेंटी फाइव से किधर तक जाएगा एट्टी तो एक बार फिफ्टी से 75 फाइव जाएंगे कितने का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा टेन थाउजेंड और उसके बाद चाहे आप सेवेंटी फाइव से एट्टी तक जा रहे हो अगर आप 75 से 85 भी जाते 75 से 90 भी जाते 75 से 100 भी जाते ओके? तो भी आपका एक्स्ट्रा कितने का खर्चा हो जाता है टेन थाउजेंड क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है और पार्ट देयर ऑफ और पार्ट देयर ऑफ मतलब यहां पच्चीस परसेंट या उसका कोई भी एक्स्ट्रा तो यहां पे फिफ्टी से एट्टी तक पहुंचने के लिए आपका इन ऑल एक्स्ट्रा खर्चा कितने रुपीज का होने वाला है टेन थाउजेंड टू सेवेंटी और उसके बाद सेवेंटी टू एट्टी तक एन अदर टेन ठीक है तो यहां पर अभी आप लोग लिखिए प्लस Extra expense to increase capacity from underline fifty per cent to seventy five per cent, seventy five per cent to eighty per cent. तो ये हो गया टेन थाउजेंड ये हो गया टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड तो ये वाला सेवेंटी थाउजेंड हो गया थेके? तो पचास परसेंट पचास हजार रुपए तो है ही है 50 टू 80 डायरेक्टली नहीं जा सकते सबने बोला था जब भी आपको कैपेसिटी बढ़ाने का यू कैन इंक्रीज इट बाय एवरी 25 और पार्ट दे रहा। तो पहले 50 से 75 तक जाऊंगा फिर 75 से 80 तक जाऊंगा ठीक है बस अपना क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया सेमी वेरिएबल ही नहीं था वही वाला चीज अपने को मिल गया सो दे दिस फिगर इज बी गड कैलसी लीजिए कम्प्लीट कीजिए टू वन सेवन फाइव हंड्रेड प्लस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस सेवेंटी थाउजेंड दिस इज़ फोर थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड दिस इज़ टेन पॉइंट ज़ीरो सिक्स फोर थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड प्लस टू वन सेवन फाइव हंड्रेड सिक्स लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड प्लस वन लाख सेवन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड सेवेंटीन पॉइंट थ्री सिक्स ये वाला आंसर अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन पॉइंट जीरो मारोगे तो भी वही आने वाला है ठीक है सेवनटीन पॉइंट थ्री सिक्स अच्छा सेवेंटीन पॉइंट थ्री सिक्स बस दिस इज योर एंडिंग ऑफ द क्वेश्चन एक लास्ट लाइन यहां पे लिख देना दिस इज योर फाइनल आंसर एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर द गुड्स इन दिस ईयर इज इक्वल टू रुपी सेवेंटीन पॉइंट थ्री सिक्स इज इक्वल टू सेवनटीन पॉइंट थ्री सिक्स ठीक है दिस इज योर फाइनल आंसर यहां पर ऐसे देखना आंसर ठीक है तुम्हारा ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज ऑल डन ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जरा दिखना है. You can also enroll for our other subjects of CA foundation CA inter CA final by visiting either www.ajnext.com or www.ajnextonline.com For any help call 8080324444 the next question

पूरा सम अभी शायद तुमको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फटाफट वो पढ़ लेता हूं फटाफट मतलब वेरी फटाफट अ फैक्ट्री कैनोड्यूसटी थाउज पर एट ऑप्टिमम एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्ट मटेरियल थ्री रूपीज डायरेक्ट लेबर टू पर यूनिट लेकिन सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ सेवेंटी थाउजेंड सॉरी सेवेंटी टू थाउजेंड पर एनम ओके

लेकिन दीज टू लाइन विल अफेक्ट विच कॉस्ट यार वन इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वन इज सेमी वेरिएबल ठीक है बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा आ, तुम लोग क्या करो अभी हम लोग ना कुछ काम नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ के अंदर कर लिया है ठीक है वर्किंग नोट वन क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्ड बेटा वो तो वो रहने वाला है ठीक है तो वोला चीज में नहीं कर रहा हूं ठीक है उसके अलावा देखो जरा मैं यहां पर क्या क्या चेंज करने वाला हूं दो एक्सपेंसेस तुम्हारे बदल जाएंगे कौन से दो एक्सपेंसेस एक लेबर और एक सेमी वेरिएबल तो कुछ नहीं बाकी ठीक है अभी तुम लोग क्या कर रहे हो इस वक्त ये वाला वीडियो पॉज करना ठीक है ये वाला फॉर्मेट बनाओ जो लिखा हुआ है वो लिख लेना क्योंकि उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं है उसके बाद डायरेक्ट लेबर पढ़ना नया अमाउंट लाना डायरेक्ट लेबर पढ़ना नया अमाउंट लाना उसके बाद सेमी वेरिएबल ओवर पढ़ना और नया लाना ठीक है मैं अभी यहां पे स्टॉप वॉच नहीं कर रहा हूं लेकिन नोटबुक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं वो नंबर ऑफ मिनट वही रहने है और ये दोनों एक्सपेंसेस सोचो और लिखो फिर देखते हैं कि करेक्ट है कि नहीं है ठीक है तुम्हारे पास एट मिनट्स हैं पॉज नाउ चलिए तुम्हारे एट मिनट्स जो हैं वो खत्म हो गए अगर तुम्हारे एट मिनट्स जो हैं वो खत्म हो गए तो फिर अभी देखते हैं डायरेक्ट लेबर देखो अभी ये जो डायरेक्ट लेबर है ना डायरेक्ट लेबर टू पर यूनिट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ सेवेंटी टू थाउजेंड पर एन ध्यान से सुनना वर्कर लोग को मेरे को पे करना था मैंने वर्कर लोगों को क्या बोला तुम लोगों को मैं टू पर यूनिट दूंगा वर्कर लोग को मैंने पूछा इनफ है बोलते सर काफी है सर टू पर यूनिट कोई चिंता नहीं है सर टू पर यूनिट आपने दिया थैंक यू वो लोग ना घर जाकर सोचना स्टार्ट हो गया दिन का अगर दस यूनिट बनाएंगे ना बीस रुपया घर लेके जाएंगे कोई एक यंग बंदा था बोलता अगर मैं दिन का सौ यूनिट बनाऊंगा ना इंटू टू रुपीज मैं दो सौ रुपया घर लेके जाऊंगा एक और बंदे ने सोचा अगर मैं दिन का 500 सौ यूनिट बनाएगा ना तो मैं हजार रुपया घर पे लेके जाएगा फिर कोई एक वर्कर के दिमाग में आया यार अगर हम लोग कल जॉब पर गए और मैनेजमेंट ने बोला प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं आ रहा है तो हम लोग आज गुड्स नहीं प्रोड्यूस करेगा तो मेरे को जरा बोलो फिर वर्कर लोग आज कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा जीरो इनटू टू विल बी गिविंग यू व्हाट जीरो तो वर्कर लोग घर कितना लेके जाएगा कुछ नहीं लेके जाएगा तो वर्कर लोगों को ना यह वाली चीज शायद ही ना हो तो ये जो वर्कर लोग हम लोग को भी घर वार वो चलाने का है मैनेजमेंट ने सोचा चलो ठीक है बोला चलो ठीक है तुम लोग घर पे जाओ दो तीन दिन के बाद मिलते हैं मैनेजमेंट ने सोचा 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 दो तीन दिन के बाद वर्कर लोगों को बुलाया और वर्कर लोगों को बोला सुनो वी अंडरस्टैंड इज करेक्ट तुमको कुछ ना कुछ एक कमिटमेंट तो होना चाहिए तो मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा बोला हम लोग तुमको कमिट करते हैं कि हम लोग तुमको मिनिमम सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज का पगार तो देंगे ही देंगे ठीक है इतना तुम लोग को मिनिमम कमिटमेंट है मिनिमम अगर कभी प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ अगर कभी प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ और हम लोगों ने कम बनाया और अगर तुम्हारा पगार 72 से कम आ रहा है तो हम लोग तुमको मिनिमम 72 तो देगा ही देगा अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो फिर ज्यादा दे देगा ओके okay. तो अब जरा सोचो वर्कर लोगों ने इस साल के अंदर कितना यूनिट्स बनाया बेटा फोर्टी हर यूनिट के लिए उनको कितने रुपीस का पेमेंट हम लोग वो करने वाले हैं टू रुपीज सो देखो फोर्टी थ्री फाइव इंटू टू कितना आ जाता है एटी सेवन थाउजेंड મેગો બોલો 87000 રૂપિયા અગર મેનેજમેન્ટ દે રહા હે મતલબ ક્યા 72000 તો દે રહા હે ના દે રહા હે ના પ્લીઝ 87 ઓર मतलब 72 કો એડ નહી કરને કા હમ લોકો ને યે નહી બોલા થા દેખો 72 એક્સ્ટ્રા દેગા હમ લોકો ને ક્યા બોલા થા થા ટીકો મિનિમમ 72 દેગા તો બેટા હમ લોકો તો 87 ही दे रहे हैं ना ओके सो देयरफॉर द पेमेंट विल बी 87000 ઓર 72000 વોટએવર ઇઝ હાયર ઇઝ ધેટ ઓકે अच्छा आप बोलो अगर वर्कर लोगों ने तीस हजार यूनिट बनाए रहते वर्कर लोगों ने अगर तीस हजार यूनिट बनाए रहते तीस हजार तो हम लोगों ने कमिटमेंट कितने का दिया हुआ सेवेंटी टू थाउजेंड दैट टाइम वी विल बी पेंग वर्कर्स कितना रुपीजी टू थाउजेंड इज दैट ओके परफेक्ट लेकिन यहां पर ये वाला फिगर जो है ये कितना है बेटा फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके 43,500 थ्री इंटू टू कितना आ जाता है 87,000 मिनिमम कितना देने का था 72 तो हम लोग 87 तो दे ही रहे हैं ना मतलब ओके सो इन अदर वर्ड्स पेमेंट जो करना है कंपेयर इट विद मिनिमम वेजेस वट एवर इज हायर विल बी दैट विल बी पेड ओवर हियर ठीक है तो यहां पर अभी आगे आइए वर्किंग नोट वन जरा लिखिए वर्किंग नोट वन लेबर लिखो एक तो वो जो नंबर ऑफ अगर ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आया ना तुमको फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड का भी वर्किंग नोट तैयार करना है मैंने इसलिए तैयार नहीं किया क्योंकि पिछले क्वेश्चन जैसे ही था ठीक है यहां पर जरा लिखिए वेज इज एस पर प्लान ये वाला एडजस्टमेंट ना आगे जाके एक चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग वहां पर भी आएगा ठीक है फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू टू एटी सेवन थाउजेंड कंपेर दिस वेजिस विद मिनिमम वेजिस कंपेयर दिस वेजिस विद मिनिमम वेजेस मिनिमम वेजिस कितने का गारंटी था पूरे साल का सेवेंटी टू थाउजेंड ठीक है सो दे फो नेक्स्ट टाइम पे लिखिएगा वेजिस टू बी पेड फॉर यहां पर लिख देना हायर प्लीज एड नहीं करने का प्लीज एड नहीं करने का हम लोगों ने उनको बोला था तुमको मिनिमम सेवेंटी टू देगा एटी सेवन तो दे रहा ना यार तुम लोग को ठीक है चल ये वाला काम हो गया तो तुम्हारा दो में से एक पार्ट खत्म हो गया और वो लेबर वाला पार्ट है एट्टी सेवन थाउजेंड ठीक है टू रुपीस ठीक है चलिए आगे टोटल आप कर लो वही रहेगा जो पिछली बार भी था क्योंकि एट्टी सेवन थाउजेंड अल्टीमेटली वही वाली फिगर है बस अभी बच गया सेमी वेरिएबल ओवरहेड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स ओवरहेज ना फर्क क्या था सेमी वेरिएबल के अंदर जो फर्क था दैट वाज़ टेन थाउजेंड के आगे पर एनम था बस तुमको वही वाला चीज सोचना था और कुछ नहीं था नाउ टेन थाउजेंड इज इनकर्ड फॉर ट्वेल्व मंथ्स टेन थाउजेंड इज इनकर्ड फॉर ट्वेल्व मंथ्स ठीक है मेरे को जरा बोलो तुम लोग जो एक्स्ट्रा इंक्रीज इन कैपेसिटी करने वाले हो बियॉन्ड फिफ्टी परसेंट क्या वो पूरे साल के लिए करने वाले हो नहीं सर नाइन मंथ्स के लिए करने वाले हैं अगर नाइन मंथ्स के लिए करने वाले हो तो फिर दस हजार को भी प्रपोर्शनेट कर देना क्योंकि दस हजार इज इनकर्ड फॉर ट्वेल्व मंथ्स बट यू डोंट वांट टू बी इंक्रीजिंग योर कैपेसिटी बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट फॉर ट्वेल्व वांट टू बी इंक्रीजिंग इट ओनली बाय ओनली फॉर नाइन मंथ्स तो अभी मैं क्या करता हूं तुम लोग एक मिनट के बाद ये वाला चीज कॉपी करना वर्किंग नोट टू सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स ठीक है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर ज्यादा कुछ चेंज नहीं करूंगा देखो जरा मैं क्या करता हूं इसका जो टोटल है ना एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितने का है ट्वेंटी थाउजेंड एक्स्ट्रा एक्सपेंस बट पिछली बार ट्वेंटी थाउजेंड वॉज अ फ्लैट कॉस्ट नाउ ट्वेंटी थाउजेंड इन दिस पर्टिकुलर केस इज गोइंग टू बी अ प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मतलब इन दिस केस इन टू तुम लोग को नाइन बाय ट्वेल्व करना पड़ेगा क्योंकि जो दस हजार है पर एनम है ये जो दस हजार है पर एनम है ये जो ट्वेंटी थाउजेंड ये भी पर एनम तो ये वाला खर्चा एक साल के लिए हो रहा है लेकिन आपको एक साल के लिए कैपेसिटी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है ओके आप लोगों को कैपेसिटी बढ़ाने का है ओनली फॉर नाइन मंथ सो देस तो ये वाला आंसर कितना आ जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड तो ये वाला आंसर कितना आ जाएगा सिक्सटी फाइव थाउजेंड ठीक है अभी ये वाला चीज तुम लोग एक मिनट के बाद कॉपी करना एक मिनट के बाद कॉपी करना सेम आंसर आप लोग अभी ऐसे भी कर सकते हो देखो ये जो फिफ्टी थाउजेंड था ये भी पर अभी ये जो टेन थाउजेंड है ये भी तो पाएनम ही है यार ओके तो देखो अभी मैं तुमको क्या बोलता हूं सेम आंसर बट जस्ट अगर किसी को प्रेजेंटेशन कुछ और चाहिए तो फर्स्ट थ्री मंथ्स ठीक है फर्स्ट थ्री मंथ्स पहले मेरे को बोलो फर्स्ट थ्री मंथ्स के अंदर क्या कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होएगा क्या नहीं सर क्योंकि हम लोग पचास परसेंट तक ही काम कर रहे हैं तो देख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का खर्चा पूरे साल का इन टू थ्री बाई ट्वेल्व ठीक है तो ये वाला जो फिगर है ये कितना आ जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अभी उसके बाद लास्ट नाइन मंथ्स अभी बराबर से देखना मैं क्या करने वाला हूं ठीक है कोई मेरे को बोलेगा कि यहां पर आंसर क्या आना चाहिए सेवेंटी थाउजेंड लास्ट नाइन मंथ्स आप लोग किस लेवल पे जा रहे हो एट्टी परसेंट मतलब फिफ्टी परसेंट पर हो और उसके बाद यहां पर दो बार और पहले फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव और फिर सेवेंटी फाइव टू एट्टी तो पचास हजार रुपया पूरे साल का प्लस दस हजार प्लस दस हजार तो एक्स्ट्रा कितना लग जाएगा सेवेंटी थाउजेंड ठीक है आपका जो टोटल खर्चा है लास्ट नाइन मंथ्स का कितना हो जाएगा सेवेंटी एक फिफ्टी और एक दस और एक और दस ठीक है लेकिन यह वाला खर्च आपका लगेगा कितने टाइम के लिए बेटा नाइन मंथ क्योंकि अभी सब कुछ पर है वो पचास भी पर था वो जो दस हजार था वो भी पर था। वो जो वाला दस हजार था वो भी पर एनएमटी था इस वक्त कॉपी कर लो सिक्स थाउजेंड जो है इन दिस पर्टिकुलर केस इधर लिख लेना एक बार लिख लोगे उसको अपने ऊपर फॉर्मेट के अंदर डाल देना as और उसके बाद टोटल ले आना एक और चीज अगर मैं कभी कोई क्वेश्चन के ना भूल जाऊं तुम लोग जरूर याद रखना यहां पे वर्किंग नोट नंबर्स हमेशा लिखने का पिछले वाले क्वेश्चंस के ना भी देख लो अगर किधर भूल गया यू हैव टू बी स्टिल राइटिंग प्लीज एंड दिस इज मिनट ये वर्किंग नोट था और ये वर्किंग नोट टू ठीक है पहले अभी एक काम चलो वो कर लेना नोट एक मिनट के बाद कॉपी कर लो यहां पर सिक्सटी फाइव थाउजेंड यूल राइट One lakh fifty thousand plus two one seven five hundred plus sixty five thousand four thirty two five hundred divided by forty three five hundred nine point nine four four thirty two five hundred plus two one seven five hundred six lakh fifty plus one lakh. सेवन फिफ्टी डिवाइडेड बाई फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड पॉइंट टू फोर माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो चलो अभी अपना जो नोट टू है ना बेटा वो खत्म कर दे पूरा और एंड के अंदर एक लाइन लिख देना एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर विल बी सेवनटीन पॉइंट टू फोर ठीक है अभी ये वाला वर्किंग नोट टू आप लोग पूरा कॉपी कर लो स्टार्ट करो दो मिनट दे रहा हूँ कंप्लीट करो पूरा का पूरा समय um mm -hmm. चल अलार्म बज गई ये हो गया तुम्हारा ये वाला काम ठीक है चल, डन अभी आगे चल पड़ते हैं सुनो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इस टाइप का अपना लास्ट क्वेश्चन है ठीक है वहां पर जो चेंजेस हैं मैं पिछले क्वेश्चन की तरह उसको अंडरलाइन करके तुम लोगों को दे रहा हूं डायरेक्ट लेबर टू पर यूनिट Subject to minimum of पर को ऐसा बोल सकता है, सर, पर मतलब पर पर है बेटा। बस बात खत्म हो गई सेमी वेरिएबल के अंदर आप लोग पूरा का पूरा एक बार पढ़ लेना ठीक है कुछ ना कुछ वर्ड में इस वक्त डबल अंडरलाइन कर रहा हूं ट्रिपल अंडरलाइन कर रहा हूं वो वाले वर्ड्स ध्यान से पढ़ लेना फॉर द ईयर एस अल बाकी सब कुछ वही है तो अभी तुम लोग एक और बार एक और काम कर रहे हो अभी ये क्वेश्चन नंबर एक मिनट ये थर्टीन हो चुका है अभी ये क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है ठीक है तो क्या करो लेबर शायद बदल जाए ठीक है आ, उसके लिए चलो वर्किंग नोट वन ही बनाएंगे वर्किंग नोट टू ये वाला चीज शायद बदल जाए तो ये वाली चीजें भी बदल जाएंगी ठीक है अभी तुम लोग क्या करो इतना तुम लोग कॉपी कर लो ठीक है इतना तुम लोग कॉपी कर लो और पिछली बार की तरह तुम्हारे पास आठ मिनट है तुम लोग अपना वीडियो जो है इस वक्त पॉज करना उसके बाद डायरेक्ट लेबर सोचो और सेमी वेरिएबल ओवरेज सोचो दीज आर द टू थिंग्स जो आप लोगों को सॉलिड सोचना पड़ेगा इस बार सेमी वेरिएबल ओवर इज क्लास अपार्ट ओके बराबर से करो इस वक्त पॉज करो और आठ मिनट खुद ब खुद ट्राई करो लेबर और सही अगर ये दोनों अमाउंट तुम लोग को आ जाते हैं ना यू ऑल आर ब्रिलियंट यू ऑल आर ब्रिलियंट यू ऑल एव गुड रीडिंग कैपेसिटी एंड इंटरप्रिटेशन कैपेसिटी ठीक है ये पढ़ो और उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं चलो तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा देखो अभी लेबर के लिए पहली चीज जो आपको सोचना चाहिए था ना सर अभी ना हम लोग पूरे साल के लिए कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे तो, तो सर क्यों क्योंकि ना वहां पे मिनिमम कमिटमेंट हर मंथ का है हर मंथ के अंदर कंपनी ने बोला है कि तुमको मिनिमम छः हजार रुपए का पेमेंट जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा हर मंथ तुमको मिनिमम यहां पे सिक्स थाउजेंड रुपीज का पेमेंट तो आपको ना हर मंथ के लिए निकालना पड़ेगा क्योंकि बोलते सर बारह महीने के लिए अभी आप कैलकुलेशन हर मंथ के लिए अलग अलग करोगे तो बारह बार करोगे बारह बार कर सकते हो या फिर फर्स्ट थ्री मंथ्स का डेटा सेम है लास्ट नाइन मंथ्स का डेटा सेम है तो मैं क्या कर लेता हूँ फर्स्ट थ्री मंथ्स के अंदर कोई एक मंथ का डेटा निकालूंगा इंड मल्टीप्लाई बाय थ्री लास्ट नाइन मंथ्स के अंदर से कोई भी एक मंथ का डेटा निकालूंगा एंड देन विल इन एंड विल कन्वर्ट कन्वर्टेड फॉर नाइन मंथ्स ठीक है तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले लेबर uh, मैं ना सेमी वेरिएबल पूरा का पूरा भी डिलीट कर देता हूं सेमी वेरिएबल का वैसे तुम्हारा आंसर कुछ ना कुछ आया रहेगा देख लेते हैं अगर दोनों करेक्ट हैं यू आर ब्रिलियंट पीपल तो स्टार्ट कर लेते हैं तो यहां पे लेबर यहां पे लिखिए फर्स्ट थ्री मंथ्स ठीक है उसके अंदर प्रोडक्शन पर मंथ इज इक्वल टू सुनो फर्स्ट थ्री मंथ्स के अंदर कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा था सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय थ्री कर लेता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स ठीक है इज प्रोडक्शन पर मंथ इन ईच ऑफ द फर्स्ट थ्री मंथ ठीक है इन ईच ऑफ द फर्स्ट थ्री मंथ ठीक है उसके बाद वेजेस एस पर प्रोडक्शन वेजेस एस पर प्रोडक्शन तो फर्स्ट मंथ पच्चीस सौ यूनिट बनाएंगे हर यूनिट के लिए कितने रुपीज का पेमेंट आना चाहिए टू सो दे इस मंथ का पगार कितने रुपीज का हो जाता है फाइव थाउजेंड लेकिन कंपनी ने प्रॉमिस किया हुआ है कि वर्कर लोगों को हर महीने कितने का पगार मिलना चाहिए सिक्स थाउजेंड तो यहां पर मिनिमम वेजेस कितने का सिक्स थाउजेंड तो हमें एक को जरा बोलो विल कंपनी पे इलेवन थाउजेंड क्या बात करता है कंपनी विल बी पेंग कितना यार सो वेजेस पर मंथ मंथ तो हर इन द फर्स्ट मंथ्स वर्कर लोगों को कितने रुपीज का जो पेमेंट है मिल सिक्स थाउजेंड एंड के अंदर इसको इनटू थ्री करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट थ्री मंथ्स के अंदर यही वाला काम होगा ठीक है अभी कैलकुलेट कर लेता हूं एक सेकेंड जो नीचे वाला चीज है ये डिलीट करता हूं बेटा चलो अभी यहां पे अभी लास्ट नाइन मंथ्स अच्छा मुझसे सब कुछ सीखना लेकिन मुझसे हैंडराइटिंग नहीं सीखना बस ठीक है लिखिए प्रोडक्शन पर मंथ थर्टी सिक्स थाउजेंड लास्ट नाइन मंथ्स का प्रोडक्शन था हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आज वो कंप्यूट किया था वो सेम ही क्वेश्चन ऑन डिवाइडेड बाई नाइन तो कितना यूनिट्स आ जाएगा बेटा फोर थाउजेंड यूनिट्स ठीक है आगे वेजेस इज पर प्रोडक्शन वेजेस एज पर प्रोडक्शन इट विल बी फोर थाउजेंड यूनिट्स बन रहा है इंटू टू तो एट थाउजेंड रुपीज का पेमेंट मिलने वाला है क्योंकि चार हजार यूनिट बनाए ठीक है यहाँ पे अभी इसको कंपेयर करो विद मिनिमम वेजेस मिनिमम वेजेस हर मंथ के अंदर कितना है सिक्स थाउजेंड तो मेरे को जरा बोलो क्या वर्कर लोगों को हम लोग चौदह हजार रुपये देंगे ऑब्वियसली नहीं वर्कर लोगों को यहाँ पर आठ हजार रुपये ही देंगे ना यार आठ हज़ार इज मोर देन सिक्स नो दैट्स नो यार दे फोर दिस विल बी एट थाउजेंड तो यहां पर लिख लेना वेजेस पर मंथ तो लास्ट नाइन मंथ में हर एक मंथ कितने रुपीज का वेजेस आ जाएगा एट थाउजेंड ठीक है तो so, बस अभी यहां पर लिख लेना टोटल वेजेस फॉर द ईयर टोटल वेजेस फॉर द ईयर ठीक है टोटल वेजेस फॉर द ईयर तो सिक्स थाउजेंड पहले तीन महीने के लिए और एट थाउजेंड लास्ट नाइन मंथ्स के लिए तो एटीन थाउजेंड प्लस सेवेंटी टू थाउजेंड कितना आ जाएगा बेटा 90,000 थाउजेंड ठीक है चलो यह वाला काम जो है तुम्हारा हो गया दिस इज ऑल डन ठीक है तो यहां पर आइए यहां पे लिखिए 90,000 थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड टू पॉइंट वन सेवन नहीं टू पॉइंट जीरो सेवन फाइव पॉइंट जीरो सेवन वन थर्टी फाइव हंड्रेड प्लस नाइन्टी थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ठीक है चलिए आगे सेमी वेरिएबल ओवरेट लिखिए जरा प्लीज वर्किंग नोट टू अच्छा सेमी वेरिएबल ओवर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स बराबर से सुनना यहां पे क्या लिखा हुआ है रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पर एनम अप टू फिफ्टी परसेंट कपेसिटी ठीक है एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ फॉर एवरी ट्वेंटी इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देर ऑफ यहां पे टेन थाउजेंड के आगे पर एनएम नहीं है तुमको एंड में समझ में आएगा अगर होता भी तो भी आंसर वो सेम ही रहता क्योंकि आगे यहां पे कोई स्पेशल वर्ड्स हैं फॉर एवरी ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट दियर ऑफ फॉर द दर एज अ होल फॉर द क्या लिखा बेटा इयर एज होल फॉर द दर एज अ होल वो लोग क्या बोलते हैं कि ना यही वाला सब कुछ अप्लाई होगा जो लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया था लेकिन ना उनको कपेसिटी फिफ्टी और एटी परसेंट नहीं देखने का है दे वॉन्ट टू सी द कैपेसिटी फॉर द ईयर एज अ होल दे वॉन्ट टू सी द कैपेसिटी फॉर द ईयर एज अ होल उनको ऐसा मत बोलो फर्स्ट थ्री मंथ फिफ्टी लास्ट नाइन मंथ एटी ऐसा बोलना गुना हो गया वट यू हैव टू बी सेट सर वी ऑपरेटेड एट दिस लेवल थ्रू आउट द ईयर सच्ची बात है यू आर गोट टू बी ऑपरेटिंग एट दिस एन दिस लेवल लेकिन सेमी वेरिएबल के लिए सेमी वेरिएबल एक्सपेंस के लिए यू रिक्वायर कपैसिटी यूटिलाइजेशन फॉर द ईयर एज अ होल ठीक है तो आपको ये फिफ्टी एटी से अभी दूर चले जाना सिर्फ सेमी वेरिएबल के लिए ठीक है नंबर ऑफ यूनिट्स तो फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड ही रहेगा बेटा लेकिन ना, आपको एक परसेंटेज कैपेसिटी चाहिए फॉर द ईयर एज अ होल अब मेरे को तुम लोग पहले दो चीजें कितना यूनिट्स बनाओगे फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड तो वही रहेगा जो पहले था ओके फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड कैसे आया यू ऑल नो दैट बट नाउ वट आई एम गोइंग टू बी डूइंग देखो जरा परसेंटेज कैपेसिटी फॉर द ईयर एज अ होल फॉर द ईयर एज अ होल ठीक है परसेंटेज कैपेसिटी फॉर द ईयर एज अ होल ठीक है अब जरा देखना अब इन दिस पर्टिकुलर के जरा सोचो कंपनी ने पूरे साल के अंदर कितना यूनिट बनाएगा कंपनी फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड अपना हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी कितने का है सिक्सटी थाउजेंड अगर मैं इंटू हंड्रेड करूं So this will give me 43,500 divided by 60,000 percentage, 72.5%. Instead of saying that you are operating at 50% for the first 3 months and 80% for the last 9 months. You can also be saying that I am operating at 72.5% for the entire year. I am operating at 72.5% for the entire year. Is that understood? Is that understood? Okay. तो यू कैन ऑल्सो भी ऑपरेटिंग एट सेवेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट फॉर दरियर ऐसा भी तो बोल ही सकते हो ठीक है तो अब ना सिर्फ सेमी वेरिएबल के लिए तुम लोग अभी क्या करो ऐसा सोचो दैट यू आर नॉट डूइंग दिस डूंगी टू पॉइंट फाइव परसेंट फॉर द ईयर ठीक है यू आर वर्किंग एट सेवेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट फॉर द ईयर और अभी सेमी वेरिएबल बराबर से कंप्यूट करना तो तुमको समझ में आएगा तुम्हारा आंसर सिक्सटी थाउजेंड होना चाहिए था कितना होना चाहिए था सिक्सटी थाउजेंड देखो थाउजेंड पर फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी। ओके पचास हजार रुपए का खर्चा तो हो गई एंड एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ टाउज इंक्रीज इन कपेटी जरा बोलो तुम लोग किस लेवल के ऊपर ऑपरेट उपर कर रहे हो इंटायर ईयर अभी ये मत बोलना फिफ्टी एमने बोला कैपेसिटी बोलो फॉर ईयर एज इज सेवेंटी तो फिफ्टी परसेंट तक पचास हजार रुपए का खर्चा फिक्स हो गया और फिफ्टी से तुमको कहां तक जाने का है, मतलब तुमको 22.5 एक्स्ट्रा चाहिए 22.5 इज पार्ट ऑफ 25 नो no. चाहे 25 परसेंट से बढ़ाओ चाहे 22.5 परसेंट से बढ़ाओ तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा कितने रुपीजी का होएगा 10,000 अभी तुमको समझ में आएगा यू आर ऑपरेटिंग एट 72.5 परसेंट फॉर द ईयर नो यू आर ऑपरेटिंग एट सेवेंटी परसेंट फॉर द ईयर नो ओके तो इन एनी पर्टिकुलर केस टेन थाउजेंड अगर फ्लैट एक्सपेंस है तो भी वो रहेगा अगर टेन थाउजेंड पर एनम होता तो भी आंसर वही रहता बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग फॉर सेवन यू आर ऑपरेटिंग एट सेवेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट फॉर दर एज अ होल तो पूरे साल के लिए ही आप सेवेंटी टू पॉइंट फाइव के ऊपर काम कर रहे हो उनको समझा ठीक है तो अभी यहां पर हम लोग अपना सेमी वेरिएबल एक्सपेंस निकालने वाले हैं तो लिखिए जरा प्लीज वर्किंग नोट थ्री सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स तो देखिए अप टू फिफ्टी परसेंट फिफ्टी थाउजेंड एड एक्स्ट्रा एक्सपेंस टू इंक्रीज कैपेसिटी फ्रॉम 50 टू 72.5 परसेंट तो ये कितना आ जाएगा 10,000 थाउजेंड तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा कितने का आ जाएगा 60,000 अच्छा अगर ये 72.5 परसेंट किसी को कोई और वे से आया मेरे को टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करना कि 72.5 और कैसे आ सकता है 50 परसेंट फॉर द फर्स्ट थ्री मंथ्स 80 परसेंट फॉर द लास्ट नाइन मंथ्स वो 50 और 80 के थ्रू भी 72.5 आ सकता है किसी को अगर आता है तो वेरी गुड तुम लोग को सोचने का है यू मैसेज अस ऑन टेलीग्राम आई विल रिप्लाई दैट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट ठीक है इन्हीं के ऐसा अगर सेवेंटी टू पॉइंट फाइव आएगा बायूजिंग फिफ्टी एंड एटी ओके तो तुम्हारा आंसर करेक्ट ही होगा तुमको मेरे को भेजने की भी कोई जरूरत नहीं ठीक है चलिए अपना आज का काम इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड यहां पे आप लोग सिक्सटी थाउजेंड लिख लेना सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड लिख लेना फटाफट अभी खत्म करो सब वन लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस टू वन सेवन फाइव हंड्रेड प्लस सिक्सटी थाउजेंड फोर ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड प्लस टू लाख ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सिक्स लाख फोर्टी एट थाउजेंड सेवन लैख फोर्टी एट थाउजेंड सिक्स लैख फोर्टी एट डिवाइड बाई फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिस इज़ फोरटीन पॉइंट नाइन ज़ीरो फोर ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिस इज़ नाइन पॉइंट एट एट ले लेता हूँ सेवन लैख फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइड बाई फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड सेवेंटीन पॉइंट टू ज़ीरो नीचे फाइनल आंसर लिख देना एवरेज सेलिंग प्राइस ऑन द लास्ट टाइम यू वॉल राइट ऑन द फाइनल आंसर एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर ईयर इज सेवेंटीन पॉइंट टू जीरो ठीक है चलिए आज का अपना ये वाला काम इज ऑल फिनिश मेरे को तीन क्वेश्चंस करने थे नेक्स्ट टू क्वेश्चन आर सपोज टू बी डन फॉर होमवर्क आर आइडेंटिकल टू ऑल पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है आज ये जो हम लोगों ने तीन जुड़वा या तिड़वा क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए ऑलमोस्ट लुक लाइक उसका यहां पर हम लोगों ने एक केस स्टडी शॉर्ट्स प्रिपेयर किया है वो एक बार जरा देख लेना उसके ना वो लेबर वाला भी एडजस्टमेंट आ जाएगा इन केस ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट वी हैव डन थ्री केसेस इन केस पर एनम वर्ड इज नॉट देयर डोंट डू टाइम प्रपोशन इट इज फ्लैट कॉस्ट जो फर्स्ट वाला था दस हजार डायरेक्टली लिया इनकेर डू दॉ टाइम प्रपोशन इट इट इज नॉट अट कॉस्ट जो सेकंड क्वेश्चन कहना था इन केस वर्ड आर देर फॉर दर एज फर्स्ट फाइंड कपैसिटी यूटिलाईजेशन फॉर दर एज अल एंड देन वेदर इट इज पर एनम और नॉट आंसर विल बी सेम अपना आंसर सिक्सटी थाउजेंड रहेगा पर एनम हो या ना हो फॉर लेबर इफ द मिनिम वेजेज कॉन्ट्रैक्ट इज देयर मतलब सेवेंटी टू थाउजेंड या सिक्स थाउजेंड

और हर लेक्चर के एंड में ऑफ द सेम चैप्टर सेम टिप विल भी दे ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर भी रहे टुडे वी आर बी हैविंग द फर्स्ट टिप एंड समथिंग फॉर मी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स एंड योर टाइम दैट यू डिवोट टू योर स्टडीज आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर कई लोग सोलह घंटे पढ़कर भी पास नहीं होंगे कई लोग एट आवर्स पढ़ के भी रैंक लेकर आ जाएंगे

तो एट आवर्स बाकी चीजों की तरफ मत सोचो तुम्हारा फ्रेंड्स कितना पढ़ाई कर रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर क्या मूवी आ रही है कीप ऑल दो ऑल्साइट इट इज एट आवर्स दैट यू आर टू बी गिविंग टू योर स्टडीज पर डे इफ यू आर टू बी गिविंग फॉर एट आवर्स मोर द बेटर लेकिन मोर के चक्कर के अंदर अपना क्वालिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन खराब नहीं करो स्टडी इन वाइजर वे जितना पढ़ाई करते हो उतना अच्छे तरीके से पढ़ाई करो ऑनेस्टली फॉर मी एट टू टेन आवर्स इज मोर देन अफ फॉर यूर टू बी गेटिंग अ रैंक ऑल्सो इट्स ओनली दैट हाउ यू आर स्पेंडिंग दोज एट टू टेन आवर्स विदाउट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट द डाउट्स यू आर नॉट कीपिंग योर फोन विद यू एंड ट्राइंग टू हैव द डिस्ट्रैक्शन तो एट आवर्स टू टेन आवर्स कंटिन्यूअसली या फिर इन ब्रेक्स वट एवर योर माइंड अलाउस लेकिन अच्छे तरीके से उतना पढ़ाई कर लो दैट शुड बी सफिशियंट इन दिस इज माई फर्स्ट टिप ऑफ द डे दिस टिप यूजअली इज देयर फॉर दो स्टूडेंट्स जो लोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं सर पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए दिस इज आंसर टू ऑल दो स्टूडेंट्स थैंक यू गाइज आई सी यू ऑल विद द टिप्स ऑफ द डे नाउ इन चैप्टर नंबर टू